कहते हैं किसी भी अच्छे काम से पहले भगवान को ज़रूर याद करना चाहिए, फिर वो चाहे काम कैसा भी हो। तो इसी तरीके से हमारी 2023 की शुरुआत हो चुकी है। पिछला साल तो अच्छा था क्योंकि पिछले साल काफ़ी कुछ नया हुआ, और इस साल आई होप कि आपका और हम सबका बहुत अच्छा जाए। तो इसके लिए पहले मम्मी ने भगवान की पूजा कर ली है। अब मम्मी ने इससे ना ज़बरदस्ती कपड़े धुलवाए क्योंकि ये ना बिल्कुल आलसी है, मेरे से भी ज़्यादा आलसी ये है। ठंडी में मतलब बाहर इतना कोहरा हो गया है कि हाथ पैर एकदम गल से गए हैं। तो बाथरूम में गर्म पानी रखा था तो मम्मी ने बोला कपड़े धुल लो, तब तक मैं चाय बना देती हूँ। तो मम्मी चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद मम्मी बोल रही थी जाओ तुम लोग नहा धो लो जल्दी से, क्योंकि तुम देखो 12 ऐसे ही देखे बच गए थे और काफ़ी देर हो गई थी। हम लोगों ने वैसे खाया भी कुछ नहीं था क्योंकि हम तीनों ने मंदिर जाने का वो बनाया था, हम तीनों ही गए थे, मम्मी नहीं गई थी क्योंकि हम तीनों इतने बड़े तो हो ही गए कि मतलब ऐसा आसपास का वो सब कुछ जा आ सकें। तो यहाँ पे मम्मी को न्यू ईयर के विशेस के लिए फ़ोन आ रहे थे सुबह सुबह, जैसे ही कोई मतलब फेस्टिवल कुछ ऐसा कुछ नया होता है तो इन सब का सिलसिला शुरू हो जाता है। और पता है आज ना फिल्म अवार्ड्स था जिसमें फिल्मों को बहुत सारे अवार्ड मिलने वाले थे, उसमें कई हिट मूवीज़ थी। तो वहाँ पर मेरी बहन बता रही थी कि आज ना जो फिल्म स्टार निगाह मंदाना है वो भी आज फिल्म मतलब अवार्ड पाएगी बेस्ट हीरोइन अवार्ड का। तो यहाँ पे फिर मम्मी ना पनीर बनाने की तैयारी कर रही थी, और ये सारी तैयारी करने के बाद मम्मी बोल रही है कि तुम लोग इतने आलसी हो कि इतनी देर से जगे और जा भी नहीं पाए। पर बाद में हम लोगों ने पहले तो कैंसिल कर दिया कि अब नहीं जाते हैं, काफ़ी धुंध है, बहुत मतलब बाहर बहुत ठंड है। मम्मी भी मना कर रही थी पर फिर हम लोग गए बिकॉज वहाँ पे ना बड़ी मज़ा आती है। वहाँ जाते तो काफ़ी मतलब वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं खाने पीने के, और खाना पीना सबसे ऊपर होता है लोगों का भी हमारा भी, और उसके बाद हम लोग इसीलिए वहाँ पे जाया भी करते हैं। तो मम्मी से हम लोगों ने पैसे लिए न्यू ईयर का कहवे के, पापा तो दे देते हैं पर मम्मी से लेना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाया और मम्मी ने सामान मंगाया है कुछ कि मतलब, और यहाँ पे लाइट चली गई है हम लोगों के यहाँ, पता इन्वर्टर हमारे यहाँ करीब 4-5 दिन से ख़राब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि आज ये मसाले जो है इसे मुझे ही मतलब सिलौटी क्या होता है सिलबट्टा भी बोला जाता है उसे उसी में पीसना पड़ेगा, और ये हमारे यहाँ जो सिलबट्टा है ना इसको मम्मी ने छत पे रखा है बिकॉज कहती है कि अगर ये नीचे रहेगा तो बहुत गंदगी भी मचा देता है, क्योंकि धुलो तो पानी और मसाले वसाले सब कुछ इधर उधर फैला होता है। तो इसीलिए मम्मी ने बोला कि पहले इसको मतलब इसको मम्मी ऐसे भी ऐसे ही बनाती है। उसके बाद पर भगवान का नाम लेके लाइट भी आ गई, और उसके बाद हम लोग नहाने चले गए और पानी गर्म होने के लिए लगा दिया, नहाने चले गए। मम्मी पूछ रही थी इतने मटर ज़्यादा है क्या, तो मैंने बोला हाँ वैसे भी ज़्यादा है इतना मटर वरी में मटर वाली, वैसे मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, मुझे शाही पनीर ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे लाइट आ गई थी तो मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हुई कि पूछिए मत, कुछ ही देर बाद लाइट आ गई। हम लोग बात ही कर रहे थे कि ये लाइट एकदम दिमाग ख़राब करके रखी है, तब तक पनीर बना रही थी तब तक ना लाइट आ गई। उसके बाद मेरे लिए जाओ तुम नहाओ पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, पानी काफ़ी खोल चुका था पर मेरा मन है कि नहाने का करता ही नहीं है। उसके बाद ना हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पे ना इतना सुंदर डेकोरेट किया था ये जो सामने वाला घर है उन लोगों ने, ये लोग पता है बहुत अच्छी खेती करते हैं, इनकी खेती मुझे बहुत पसंद आती है। उसके बाद ना हम लोग जा रहे थे रास्ते में, और ये मेरा भाई कह रहा था मुझसे कि वहाँ जाके क्या खाओगी। मैंने उससे बोला कि तुमको हमेशा खाने की राह करती है क्या, तो वो कुछ कम नहीं है, वो मेरा कोई आदर्श भाई तो है नहीं। उसने मुझे पलट के 4 बात सुनाई। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ना न्यू ईयर में इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स इतने रोज़ मिल रहे थे वो भी, और बहुत से लोगों ने खरीदे भी, और इसके बाद हम लोग इसे देते तो हम लोग कोई फ्लावर तो नहीं लिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो देखते क्या है यहाँ पर कि मतलब ना
एक लड़के को इतना ज़्यादा पब्लिक ने मारा, क्यों मारा ये हमें नहीं पता है। उसके बाद ना मैंने एक आंटी से पूछा कि आंटी इसे क्यों मार रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया कि ये एक लड़की को मार रहा था, जिसकी वजह से लड़की बीच रास्ते में ही रोने लगी, वो भी तेज़ी तेज़ी से रोने लगी और पब्लिक ने पकड़ के ठंडियों में एकदम लाल भी दिया था और इतना ज़्यादा मारा, कोई थोड़ा बहुत नहीं मारा, जैसे पुलिस की दौड़ लगने लगी, जैसे अच्छे से टूटा गया है। मुझे तो बड़ी शांति मिली, पर पता है ऐसे मुझे पता नहीं कि गलती किसकी थी, पर जैसा वो आंटी ने बताया तो उस हिसाब से मुझे बड़ी खुशी लगी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा गुंडा बन रहा होगा, तो इसी वजह से मारा भी गया। उसके बाद जो भी थे सबने उसके हाथ साफ किया, सबने अपना नया साल वो बना दिया बेचारे का, तो नया साल एकदम ठंडा हो गया। और इसके बाद हम लोग ना गए थे वहाँ पर वहाँ इतनी भयंकर भीड़, और यहाँ पे हर साल विशाल भंडारा होता है इतना बड़ा, हर साल क्या शिवरात्रि ले लो और भी बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल हैं, जब यहाँ पे बैठी यहाँ बड़े बड़े भंडारे कराते रहते हैं। और यहाँ हम लोग वापस आने लगे, उसके बाद मेरी बहन कह रही है कि मेला लगता अच्छे से यहाँ पे सजाए हैं, क्योंकि ना हम लोग हमेशा आते हैं तो मम्मी के साथ आते हैं या फिर हम अपने रिलेटिव्स के साथ आते हैं, बुआ और ऐसे ही मतलब लोगों एक साथ आते हैं। और इसके बाद ना हम लोग पहले पानी पूरी खाया, उसके बाद यहाँ पे पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहीं पे खाते हैं, पर ना क्या हुआ कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा चालू है, तो ये कह रही थी एक लड़की बगल में खा रही थी तो उससे इसने कम लिया खाने पर, तो मेरी बहन बोली कि नहीं चलो हम लोग पैक करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग पैक करा के आगे बढ़ने लगे, और यहाँ जाते जाते मुझे कार ये इतनी सुंदर लग रही थी ना कि मैंने मतलब कैमरे में उतनी अच्छी नहीं आई है, पर हाँ ये कार मुझे बहुत सुंदर लगी। मैंने कार की वो ले ली फ़ोटो, और फ़ोटो नहीं वीडियो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने लगे, यहाँ पे मतलब रास्ते में बहुत सारा मतलब मुझे मेरी औकात मत बताओ। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि तोड़ ले, तो कह रही है मेरी बहन मैं कोई जिराफ तो हूँ नहीं कि वहाँ तक चल ही जाऊँगी। पता है खरीद के खाने का और तोड़ के खाने का जो मज़ा है वो बहुत अलग है। इसके बाद हम वहाँ से आने लगे, और रास्ते में मेरी बहन ना नीचे देख के चल रही थी, तो वो सोच रही थी कि इससे मतलब पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि इसके साथ कई बार ऐसे हुआ है इसे रास्ते में पड़े हुए पैसे मिले हैं, और ये दोनों इतने ज़्यादा मतलब ये दोनों दिखते ज़रूर सीधे सीधे हैं, पर दोनों इतने ज़्यादा दुष्ट है कि इनके फेस रिएक्शन से, इनके फेस को देख कर कोई कह नहीं सकता है कि इतने ज़्यादा ये दुष्ट होंगे। पर हाँ मेरी बहन इसका फेस अब ना दुष्टापन जैसा दिखने भी लगा है, इतनी ज़्यादा अब दुष्ट हुई जा रही है, मैं क्या बताऊँ। पर हाँ ये मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं करती है, बहुत स्वीट है। और इसके बाद हम लोग घर आ गए, और इतनी ठंड थी, उसके बाद हम सीधा कमरे में घुस गए। हाँ और वहाँ पे ना उसके बाद हम ढूंढने लगे कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, तो मम्मी पता नहीं कहाँ थी उधर से। फिर मम्मी आई बोल रही है क्या हुआ। उसके बाद मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी भूख लगी है, खाना दे दो, तो मैं किचन में मतलब खाना मांगने के लिए वापस जाने की वाली थी, तो मेरी मम्मी तब तक ना किचन में पहुँच चुकी थी और वो हमें खाना दे ही रही थी। मैंने मम्मी से पूछा मम्मी केवल पनीर ही बनाई है, तो मम्मी ने बोला नहीं पनीर नहीं केवल बनाई है। उसके बाद मम्मी ने पुलाव पूड़ी, और रात में मम्मी ने खीर और गाजर का हलवा दोनों ही बनाया था। और उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए चले गए कमरे में, हमारे लोगों के ना पैर मतलब ठंडियों में ना जैसे कह दे रही है उंगलियाँ कट के गिर जाएगी ऐसा लग रहा था आने के बाद। उसके बाद हम लोग पहले हीटर में आज हमारे अपना शरीर वरीर थोड़ा वो करा गरम किया, वरना लग रहा था कि कट ही जाएगा। उसके बाद हम लोगों की तबीयत ना हम लोगों की नहीं मेरी और मेरी बहन की और तबीयत रात में थोड़ी खराब भी हो गई थी। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद ये सोच रहे थे कि मतलब हम लोग आज शाम को क्या करेंगे, क्योंकि पता है एक बहुत बड़ी मतलब हम लोग के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया, जिसके वजह से हमें अपना इवेंट का भी प्लान कैंसिल करना पड़ा था। पर स्टिल हम लोग इतने ज़िद्दी हैं कि मतलब हम लोग किसी के भरोसे रह के अपना वो नहीं करते। उसके बाद हम तीनों ने ना खाना खाते खाते यही सोचा कि शाम को क्या करेंगे। उसके बाद शाम को हम लोगों ने
बहुत अच्छी पार्टी की थी। उसके बाद मेरी बहन मतलब यहाँ मम्मी से पूछ रही है कि मम्मी क्या करें क्या करें, तो मम्मी बोल रही है तुम लोगों की मर्जी, जो तुम लोगों का मन लगे वो करना। उसके बाद मैं टीवी के सामने खड़ी हो गई थी, उसके बाद कह रही है सामने से हट जाओ, पर ये पता है ये बहुत दुष्ट है, ये मेरे से ही थोड़ी बहुत तमीज़ से थोड़ी बहुत बात कर लेती है, बाकी मेरे भाई से और बच्चों से बहुत गंदा इसका बिहेवियर है। क्लास ने ये अपने क्लास की जिसे कहते हैं ना गुंडा, ये वही है, ये सबसे लड़ती है और किसी को भी कुछ भी कह देती है। ये भी नहीं सोचती कि अगर मैं इससे लड़ गई तो मेरा क्या होने वाला है। ये क्लास की मॉनिटर से भी लड़ती है, पर पता है ये है बड़ी इंटेलिजेंट। उसके बाद ना शाम हुई तो मम्मी शाम को पापा के लिए चाय बना रही थी, और इसके बाद मेरी मम्मी गाजर का हलवा, मैंने बोला था ना मम्मी गाजर का हलवा बनाएंगी, इसके लिए गाजर घिसने लगी। और इधर मैंने मम्मी से पूछा इतने मोटे मोटे गाजर क्यों है, तो मम्मी बोल रही है गाजर का हलवा मोटे वाले गाजर का बनाओ तो अच्छे से बन जाता है, मतलब मुझे नहीं पता कैसे, पर हाँ अच्छे से बनता है। उसके बाद मम्मी ने सारे गाजर को पहले धुला, उसके बाद इसकी मिट्टी साफ़ की और इसे छील रही है। मेरी मम्मी ना इसे डिफरेंट तरीके से बनाती है, पहले ना मेरी मम्मी गाजर को काट लेती है और उसके बाद इसमें मतलब कढ़ाई में डाल करके दूध वूध इसे वैसे बनाती है। अभी मम्मी पूरा प्रोसेस दिखाए कि उसके बाद चाय बन गई है और मम्मी चाय को छान रही है, और हम लोगों को पता है शाम को भूख भी लग गई थी, तो इसके बाद मैंने दुकान से टोस्ट भी मंगाया था। और इसके बाद ये मेरा भाई बहुत दुष्ट है, ये हमेशा कुछ ना कुछ मतलब बदमाशी करते रहता है। और उसके बाद मम्मी ने बोला कि जाओ तुम लोग ले लो अपनी चाय। उसके बाद मम्मी हम लोगों को चाय देने के बाद वापस आ गई अपने गाजर की तैयारी करने, मतलब गाजर के हलवे की तैयारी करने। हाँ तो उसके बाद मम्मी हमसे बोल रही थी कि तुम भी सीख लो तुमको भी काम देगा, तो हम बोले नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब वीडियो बनाने। तो उसके बाद मेरी मम्मी इसी बात पे हंसने लगी, तो मम्मी बोल रही है चाहे बनो की भी कुछ बन भी जाओगी तो भी ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने बोला जो होगा वो देखा जाएगा, फिलहाल मुझे कुछ को बोलो मत। हाँ तो ऐसा ही कह के मैंने मम्मी को चुप तो करा दिया, पर मम्मी अक्सर ये बात मुझे कहती रहती है जब मैं मतलब आलस खा के कहीं भी ऐसी ऐसी जगह पे पड़ी रहा करती हूँ। ठंड है, ठंड में तो सबको आलस आता है, हाँ बस कोई करने वाला होना चाहिए, नहीं हुआ अगर कोई तब तो भाई मजबूरन हर कोई करता है, तो मैं भी करती हूँ अपना काम अगर हाँ। तो उसके बाद मम्मी ने गाजर ये काट लिया, देखिए इसमें मम्मी दूध डाल देगी, इसे घिसती नहीं है। मेरी मम्मी कहती है घिसने में हाथ भी दर्द होता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। उसके बाद इसमें चीनी डाल देगी और इसे पकाती है एकदम, और पता है जब ये पक जाता है तो इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं डाल दो। उसके बाद मम्मी ने ये लिया साना, उसके बाद मैंने मेरी बहन को समोसे लाने के लिए भेजा और मतलब वेफर्स लाने के लिए भेजा, तो ये वहाँ चली गई थी। इधर मेरी मम्मी का गाजर का ये देखिए हलवा पक गया है। उसके बाद मम्मी इसको ना एकदम मतलब वो सब कुछ एकदम अच्छे से जैसे कहते हैं ना पीस देना खटखटा देना वो कर देती है। उसके बाद मम्मी इसमें किशमिश ऐड करती है और ज़्यादा चीनी मेरी मम्मी नहीं डालती है, क्योंकि पता है मेरे पापा को शुगर है, इसीलिए मेरी मम्मी सब कुछ मतलब बैलेंस करके चलती है कि क्या देना है नहीं देना है पापा को। उसके बाद मेरी मम्मी ये रात की तैयारी करने लगी, पूड़ी बना रही थी, पूड़ी का आटा बना मतलब सान लिया था। उसके बाद मम्मी पूड़ी बना रही थी और हम लोगों ना पिछले साल मतलब 2022 में अभी फ़िलहाल में मतलब बिहार गए थे, वहाँ का मतलब मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, पर पता है वहाँ हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। ये बात को लेकर हम लोग बात कर रहे थे और मम्मी हमसे कह रही थी कि तुम्हें वहाँ का भी वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ना बहुत इंजॉय किया। और यहाँ इसी बात को करते करते हमारी पूड़ी तैयार हो जाती है और मम्मी पापा को मतलब डिनर दे देती है। उसके बाद हम लोग मैं मम्मी की हेल्प करा देती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बेचारी दिन भर काम करती है। और उसके बाद मैंने मम्मी की थोड़ी हेल्प करा दी, मैंने पूड़ियाँ बेल दी। पता है मेरी मम्मी कहती है कि मतलब जब मैं बनाती हूँ ना कुछ भी मतलब फ्राई करने वाली चीज़ें, तो मेरे हाथ से ना तेल बहुत कम लगता है, तो मेरी मम्मी क्या करती है कि तुम कर लो। तो उसके बाद मैंने पूड़ियाँ बना ली थी, मम्मी पापा को दे आई
और मतलब जो भी पापा को लेना था। और उसके बाद मैंने बोला अच्छा लाओ मैं बेल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना कैमरा भी पकड़ना रहता है। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को बिलवा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मम्मी की तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि जो जो सारे नहीं सिम्टम्स होते हैं ठंडी लगने के वो सारे मम्मी में दिख रहे थे। मम्मी का मतलब पेट भी दर्द देने लगा और सर भी दर्द देने लगा, तो मैंने बोला लाओ अच्छा मैं कर देती हूँ। उसके बाद मैंने ये किया था, ये तब तक का वीडियो जब तक मम्मी बना रही थी। उसके बाद ना हम लोगों ने सारी पूड़ी वूड़ी बेल कर सबने खाना खा लिया, और रात में मम्मी ने जो गाजर का हलवा बनाया था वो भी हम लोगों ने एंड में खाया। और खाना वाना हमारा सब हो चुका है, और मेरी बहन भी पता है रात मतलब मम्मी ने पनीर इतनी ज़्यादा बना ली थी कि वही रात में भी हो गया। और उसके बाद ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी सब कर लिया, क्योंकि रात भी काफ़ी हो गई थी, और खाना वाना तो ऐसे भी लेट ही होता है सबके यहाँ, हमको लगता है ज़्यादातर लेट ही होता होगा। कुछ लोग हैं सिद्धांतिक जो समय से खाते और सोते हैं। उसके बाद मम्मी ने मुझे भी दे दिया और हम लोग खाना खाने चले गए। उसके बाद मम्मी ने गाजर का हलवा भी बनाया। खीर का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, क्योंकि मीठे में कोई एक चीज़ ही अच्छी लगती है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया, और ये दोनों पता नहीं कौन सा सीरियल देखा करते हैं, ये मेरा भाई, इसको मम्मी इतना ज़्यादा डांट रही थी क्योंकि ये बेड में बैठ के खाता है, वो भी लेट करके खाता है, इसकी बहुत गंदी आदत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी के साथ साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बाय बाय टाटा। एंड इधर मम्मी भी खाना खा लेती है, क्योंकि मम्मी हम सब लोगों को देने के बाद ही खाती है, सबकी मम्मी ऐसी ही होती है। उसके बाद ना हम लोग किचन में खाना खाने के बाद थोड़ा सा हीटर भी ताप लेते हैं। उसके बाद ना ये मेरी बहन मम्मी को देख के हंस रही थी, तब तक के लिए बाय बाय।